हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर सागर मोहिते। आज हम जो स्टूडेंट ने एफिलेटेड कॉलेज से एडमिशन लिया हुआ है एम कॉम के लिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एम कॉम का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है सेमिस्टर वन एंड सेमिस्टर थ्री का। मतलब सेमिस्टर वन मतलब जिन्होंने पार्ट वन को एडमिशन लिया हुआ था, उनका सेमिस्टर वन का एग्जाम दिसंबर 2021 में हुआ था, उनका भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। एंड सेमिस्टर थ्री का रिजल्ट मतलब जिन्होंने पार्ट टू का एडमिशन लिया था, उनका भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिजल्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, आप रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, ये मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है mu.ac.in। इस वेबसाइट का आपको जाने का है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप सामने देखोगे, यहाँ पर एग्जामिनेशन टैब है। तो आपको एग्जामिनेशन टैब पर आपको क्लिक करने का है। अब एग्जामिनेशन टैब के जब क्लिक करोगे तो इतने आपको एक्चुअली ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। तो इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए अल्टरनेट लिंक फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी रिजल्ट, तो यहाँ पर आपको क्लिक करने का है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपको एक्चुअली डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप यहाँ पर एक्चुअली देखिए कंट्रोल एफ करके आप एम कॉम करके एक्चुअली सर्च कर दो, तो आपको एक्चुअली यहाँ पर मिल जाएगा। एम कॉम पार्ट वन है, ये आपका रिजल्ट नहीं है एक्चुअली। ये एक्चुअली देखो, ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये एक्चुअली रेगुलर स्टूडेंट का रिजल्ट है। ये सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है, मतलब जो केटी के फॉर्म भरकर जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ था उनका वह रिजल्ट है। ओके, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर देखो एम कॉम सेमेस्टर थ्री, ये 190 सीरीज में एक्चुअली आपको देखो सीरियल नंबर 190 पे आपको रिजल्ट दिखेगा। एम कॉम सेमेस्टर थ्री चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ओके ये रिजल्ट है एक्चुअली एम कॉम सेमेस्टर थर्ड का। मतलब पार्ट टू वाले जो स्टूडेंट है उनका रिजल्ट ये है, ये ऐसे डाउनलोड हो सकता है रिजल्ट। तो यहाँ पर आपको जाकर आपका नाम एक्चुअली कंट्रोल एफ करके आपको सर्च करने का है। तो आप नाम सर्च कर दोगे तो आपको एक्चुअली रिजल्ट आपका मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे, ये देखो ये इसके नीचे यहाँ पर आपको 196 पे आपको दिख रहा है जो केटी वाले स्टूडेंट है जिन्होंने सेमिस्टर फोर का एग्जाम दिया हुआ है, केटी का जो एग्जाम फॉर्म फिलअप करके, तो उनका ये रिजल्ट है। यहाँ पर क्लिक करके आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए, ये देखो ये सेमिस्टर वन 238 सीरियल नंबर पे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। एक्चुअली 1/4 को ये रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ये सेमिस्टर वन का रिजल्ट है, मतलब पार्ट वन के सेमिस्टर वन का रिजल्ट है, वो दिसंबर 21 में जो एग्जाम हुआ था उनका। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके रिजल्ट दिख जाएगा। ओके, कंट्रोल एफ करके आपको आपके नाम वाला रिजल्ट आपको सर्च करने का है। ओके, कंट्रोल एफ करके आप सर्च कर दीजिए, क्योंकि 1159 मतलब मोर देन 1100 एक्चुअली पेजेस है, 1159 पेजेस है, 59 पेजेस है। तो उसमें से आपका रिजल्ट ढूंढने के लिए आपको नाम एक्चुअली आपको सर्च करने का। यहाँ पर आप नाम सर्च कर दोगे तो आपका एक्चुअली रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने एक्चुअली एग्जाम पास किया हुआ है उनको एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन्होंने एग्जाम जिनका एक्चुअली क्लियर नहीं हो पाया, तो आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दो, क्योंकि उनका भी एग्जाम एक्चुअली जून के फर्स्ट वीक में होने वाला है। ओके, तो जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होने वाला है। आप कभी एग्जाम आपको क्लियर नहीं कर पाए हो तो आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दो, कॉलेज में इंक्वायरी कर दो, एग्जाम फॉर्म एक्चुअली भरना चालू हो गया है, तो आप एग्जाम फॉर्म भर दो। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपको एक्चुअली जून के फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में आपका एग्जाम एक्चुअली होने वाला है। ओके, तो उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पर एक्चुअली देख सकते हैं कि कब एग्जाम एक्चुअली चालू होने वाला है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ यूर अदर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, चैनल सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।